हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो? सो बच्चा, अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ जो आप लोगों को बतानी है वो ये कि सीबीएसई ने बच्चा अपने जो सैम्पल पेपर हैं 2021 और 22, यानी कि बिल्कुल आप ही बच्चों के लिए, अगर आप 21 और 22 के स्टूडेंट हैं 2021 और 22 के, तो आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ हो चुके हैं। जैसा कि पता है, सीबीएसई ने अपना सिलेबस ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया था, और डिडक्ट हुए सिलेबस के अंदर से उसने टर्म वन और टर्म टू दो पार्ट्स डिवाइड कर दिए थे आपके सिलेबस के। तो अब टर्म वन के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो सैम्पल पेपर है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जाओ सीबीएसई वेबसाइट के अंदर और उन सारे पेपर्स को डाउनलोड कर लो। तो किस तरीके से करने हैं मैं ये आपको बताऊंगी। आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर जाना है, cbseacademic.nic.in के ऊपर। अब यहाँ पर जाते ही आपको बहुत सारे लिंक दिखेंगे, आपने सैम्पल पेपर वाले लिंक पर जाना है। यहाँ पर बहुत सारे सालों के लिंक है जो पड़े हुए हैं। आपको 2021-22 के अंदर जाना है। 12th के अंदर आप जाओगे, बिल्कुल। अब 12th के अंदर जाते ही यहाँ पर आपके पास में सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स साथ में लिखे हुए हैं। तो अगर आप बच्चा करना चाहते हो डाउनलोड, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और ये इसका पेपर है जो ओपन हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो, जहाँ पर भी आप डाउनलोड करना चाहते हो, राइट? तो इस तरीके से अब अगर मैंने इसका मार्किंग स्कीम लेना है तो ये इसके सामने ही पड़ा हुआ है मार्किंग स्कीम। अब अगर हम बात करें इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो नीचे देखो आईपी और इसका मार्किंग स्कीम है जो इसके जस्ट सामने ही है, राइट? अब इनके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुको, अगर हम यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सैम्पल पेपर के अंदर चीज़ों की कि किस तरीके से पेपर है, ये सारी चीज़ें, तो ये हम लोग एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप डाउनलोड करो, उसका एक ओवरव्यू लो, और फिर हम लोग साथ मिल करके इस सैम्पल पेपर को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट? तो चलिए मिलते हैं सॉल्यूशन के अंदर। बाय बाय।